हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों आज एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड, एमएनसी कंपनी मोलेक्स इंडिया में लेटेस्ट ओपनिंग है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए बल्क यहाँ पर वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर लें। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने गूगल खोलना और गूगल के अंदर लिख देना है दोस्तों मोलेक्स इंडिया करियर्स। जैसे आप लिखेंगे सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने लिंक आ जाएगा। आपको बता दूँ जो इंडस्ट्री है उसका नाम है कोच इंडस्ट्रीज़। कोच इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट है मोलेक्स इंडिया, ठीक है। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों कोच करियर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कंपनी के करियर्स के पेज पे पहुँच जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। सो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे सर्च जॉब्स के साथ लिखा है कीवर्ड, लोकेशन, जॉब आईडी नंबर और मोलेक्स। यहाँ पर मोलेक्स अपने आप ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पर लोकेशन में आपने इंडिया लिख देना है, तो इंडिया लिख के आपने सर्च करना है दोस्तों, फाइंड जॉब्स पे क्लिक करना है। फाइंड जॉब्स पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इंडिया की वैकेंसीज आ जाएंगी। आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है यहाँ पर, तो इंडिया की अलग अलग वैकेंसीज अभी आप देख सकते हैं। इंडिया की जो वैकेंसीज दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले फ्रेशर्स जॉब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फ्रेशर के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस वैकेंसीज का मैं ओवरव्यू दे दूंगा। सो दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की आप वैकेंसी देखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह का कैंडिडेट यहाँ पर चाहिए। तो सब्सटेंस इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मेंटेनेंस, प्रोडक्ट सपोर्ट, SPO, प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो पर्पस ऑफ पोजीशन आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन ट्रांसफ़र, न्यू प्रोडक्ट सपोर्ट एंड पैकेजिंग सपोर्ट। तो स्पेसिफिक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑन SPO प्रोवाइडेड, सस्टेनेंस सपोर्ट, प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस सपोर्ट ऑन लेगेसी प्रोडक्ट फैमिली से रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और प्रोवाइडिंग CAD फीड टेस्टिंग सपोर्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स MOD SPO, फॉलो PDP प्रोसेस, वर्क कोलेबरेटिवली विद पीयर्स, सुपरवाइजर्स, PM एंड अदर इंजीनियरिंग ग्रुप्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एप्लीकेशन टूलिंग ग्रुप एंड लैब, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ असाइंड प्रोडक्ट फैमिलीज, अंडरस्टैंड एम एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल सेल्फ गोल्स, शो वैल्यू क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एंड कॉन्टिन्यूल इंप्रूवमेंट। सो दोस्तों आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द वर्किंग ऑन CAD टूल्स लाइक NX, ECTR, इंजीनियरिंग चेंज टूल्स, SAP प्रेजेंटेशन टूल्स, PowerPoint एनालिटिक टूल्स, Microsoft Excel। तो इसके साथ ही आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर सेल्फ प्लानिंग ऑफ वर्क बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज बाय क्लोजली वर्किंग विद सुपरवाइजर, इम्बाइब क्वालिटी इन एवरी एक्शन वर्क परफॉर्म, कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट सजेशन, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का कंपनी को यहाँ पर कैंडिडेट चाहिए। ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपने मैकेनिकल में किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बल्क में वैकेंसी, अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम 12 महीने तक का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ की जो आपकी कॉम्पिटेंसीज आप देख सकते हैं, SAP ERP से रिलेटेड आपको नॉलेज है, गुड अंडरस्टैंडिंग है इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स की, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। अब अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। वीडियो के एंड में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके अलावा जो अलग अलग वैकेंसीज आप और भी देख लीजिए। सो दोस्तों एनालिट्स इम्पोर्ट प्लानिंग की जो है यहाँ पर वैकेंसी है, और जो एक्सपीरियंस्ड वैकेंसी है। इसके अलावा अलग अलग वैकेंसीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अलग अलग वैकेंसी है, पैकेजिंग इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसी है, CAD एप्लीकेशन इंजीनियर की है, ठीक है। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की और भी वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की भी वैकेंसी है। तो अलग अलग मल्टीपल ओपनिंग आपने अलग अलग जगह अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आपका काम रहेगा, वर्क ऑन दी 3D मॉडल क्रिएशन एंड 2D ड्राइंग क्रिएशन इन NX एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू CAD टीम। तो ये भी आपकी है रिलेटेड टू जो है CAD का आपका काम रहेगा। यहाँ थोड़ी सी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है। अब यहाँ भी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बैचलर इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाले। तो यहाँ भी फ्रेशर, अगर आपको मैक्सिमम 2 साल तक का एक्सपीरियंस है फ्रेशर से लेके, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो है अलग ये भी वैकेंसी देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की भी बहुत वैकेंसीज हैं, अलग अलग जॉब कोड है। तो आपने जॉब नंबर 16251, तो ये भी आपने अप्लाई करनी है, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CAD इंजीनियर की अलग वैकेंसी है, सिस्टम टेस्टिंग इंजीनियर की है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है 200, स्पेशलिस्ट जो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है उसकी भी काफ़ी वैकेंसी है यहाँ पर, जो आज ही सारी अपडेट हुई हैं। इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र की है, सिग्नल इंटीग्रिटी इंजीनियर की है, ठीक है। तो पेज नंबर हम 2 पे चलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ भी मैं आपको जो है नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी बल्क में वैकेंसीज़ मैंने ट्रेनिंग की भी दिखाई हैं फ्रेशर की, तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों इसको नीचे कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेल फॉर डेवलपर है, इम्पोर्ट प्लानिंग एनालिस्ट है, क्वालिटी मैनेजर की यहाँ पर जॉब है, पैकेजिंग इंजीनियर की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की है, क्यूए एंड टेस्ट आर्किटेक्ट रोल की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसी है, ग्लोबल चेन मैनेजमेंट मैनेजर की यहाँ पर वैकेंसी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर कंपनी में आई हैं, अच्छे सैलरी पैकेज के साथ आपको यहाँ पर कंपनी रखेगी। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके साथ ही मैं आपको जो है मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप एक वैकेंसी के लिए देख लीजिए किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, मैं वीडियो के एंड में आपको बताना था तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की ही यहाँ पर मैं यहाँ पर वैकेंसी खोलूँगा। तो यहाँ पर उसको ओपन करके आपको बता दूँगा कि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो कि किस तरह इसके लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की खोलेंगे वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपने क्लिक करना है। दोस्तों ये अभी ओपन हो रहा है। तो दोस्तों इसके साथ ही कहूँगा, अगर आप किसी भी तरह का हमें जिनकी रेटिंग कम है या जो चाहते हैं कि अपना रिज्यूमे बनवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर अपने रिज्यूमे के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। mechanicaljob@gmail.com। और जो कैंडिडेट 30,000 प्लस कंपनीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिया की टॉप की कंपनीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, वो गुप्ता टेक्नोलॉजी 786@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ले रहे हैं, उनको अच्छी से अच्छी जॉब मिल रही है। आप डायरेक्ट 30,000 कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दीजिए। अब जिन्होंने नहीं किया तो आपने रजिस्टर पहले करना होगा। रजिस्टर के लिए आपको यहाँ पर प्राइवेसी एग्रीमेंट इसका पढ़ना है। अगर आप इसे एग्री करते हैं एग्री कर दीजिए। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड बनाना है। फुल फर्स्ट नेम अपना लास्ट नेम लिखना, ईमेल आईडी पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके आपको यहाँ पर एंटर मैन्युअली करना चाहते हैं या अपलोड रिज्यूम के थ्रू करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप किसी भी तरह कर सकते हैं, एंटर मैन्युअली करके प्रोफाइल को है क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद आपने लॉगिन करना है अपना प्रोफेशनल सीवी। जिन कैंडिडेट्स ने बनवाया उनको बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो फटाफट यहाँ पर अपना अपलोड जो है अपना CV कर दीजिए, अपना कवर लेटर अपलोड कर दीजिए और साथ में अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर अपना जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया या आपने खुद अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपने यहाँ पर डालना है। अपना प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छा दिखाना है। तो दोस्तों तभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे इस MNC कंपनी में जाने के लिए, एक अच्छा पैकेज लेने के लिए। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।